चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ग्वालियर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में सांसद भरत सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा समेत भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने लगभग 3 घंटे की मैराथन बैठक की और शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे और जन विकास कार्यों पर मंथन किया। वही ग्वालियर में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में कांग्रेस विधायकों ने जहां एक ओर सवाल खड़े किए, वहीं सालों से लंबित चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। अपने क्षेत्र में अधूरे पड़े कामों को लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार मंत्री और सांसद के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए। वही दूसरी ओर ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा का कहना है कि ग्वालियर में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई है, रेलवे स्टेशन, एलिवेटेड रोड समेत सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, वेस्टर्न बाईपास को लेकर भी चर्चा सुगम और तेजी से तय हो पाएगा, उससे नए प्रोजेक्ट के सुझाव भी लिए गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से नल जल योजना जो चल रही है, ये योजना तो बहुत अच्छी है मगर वो धरातल पर नहीं है। नल जल योजना अभी तक कई पंचायतों में हैंडओवर नहीं की गई है। उस योजना की वजह से जो रोडें जो खोद डाली हैं, रोड डैमेज पड़ी हैं, उससे आम जन को निकलने में आना पड़ रहा है। वैसे भी बारिश का मौसम है तो बहुत परेशानी हो रही है और जो घर घर में नल की बात कही उन नलों में पानी तक नहीं आ रहा है। जब नल में पानी नहीं निकलेगा तो उस योजना का कोई मतलब नहीं। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज की सांसद के रूप में मेरी पहली बैठक थी और इस बैठक में हमारे शहर के दो मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह और हमारे जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी, हमारे विधायक मोहन सिंह राठौर जी, हमारे विधायक सतीश जी, सभी जनप्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित रहे और प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी पूरे समय समीक्षा के दौरान उपस्थित रहे और जो हमारे शहर के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उन प्रोजेक्टों की समीक्षा की गई, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे हमारे चंबल से पानी लेने की बात हो, कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पे जो चर्चा हुई विस्तार से समीक्षा की गई। क्षेत्र में जो नल जल योजना जहाँ पे पहले से चल रही है वहाँ बंद पड़ी है और आगे की नल जल योजना के बारे में कराया कि टंकी बन गई है, पानी की लाइनें डल गई हैं लेकिन पानी के कोई स्रोत नहीं है, ऐसी तमाम सारी समस्याएँ, उनको टंकी भरने के लिए समस्याएँ और मजरे टोलों जो है उनमें नल जल योजना नहीं है, वहाँ हैंडपम्प लगाए जाएंगे नहीं, जनता पानी कहाँ पिएगी और जब तक टंकी बनेगी जब व्यवस्था होगी क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है।